तो लगातार याचिकाकर्ता को भी आपने सुना, हमारे स्टेट हेड भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेन जी, लगातार जिस तरीके से अब अगर बात करें, लोगों की नजरें इस बड़े फैसले को लेकर के हैं, आरक्षण को लेकर के। स्थिति तौर पर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मैं आपसे पूरा क्लियर समझना चाहूंगा जरा, क्योंकि संवैधानिक आरक्षण है, उसको सही तरीके से लागू किया जाए, सीधी सी बात अगर मैं समझूं तो। वीरेन जी, देखिए, हाई कोर्ट ने इतनी लंबी बहस के बाद यही बात कही है कि आप जो आरक्षण का फार्मूला लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं। कोई कोई सीटें ऐसी हैं जो पांच पांच छह छह चुनाव से लगातार एक ही कैटेगरी में, कहीं सामान्य है तो सामान्य चली आ रही है, ओबीसी है तो ओबीसी चली आ रही है, आखिर आधार क्या है। इसीलिए सरकार ने इस ओबीसी आरक्षण को, जो नोटिफिकेशन 7 दिसंबर को जारी हुआ था 2022 को, उसको खारिज कर दिया है नगर विकास विभाग के, और कहा है कि आप चुनाव तब तक नहीं कराएंगे जब तक आरक्षण के ओबीसी की व्यवस्था को आप ठीक नहीं कर लेते, और इसके लिए आप एक आयोग बनाइए, वो तय करे कि किस तरह का आपका जो सिस्टम है, और उसके बाद जब वो आएगा तब हम उस पर ओके करेंगे। और हम भी चाहते हैं कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो। जो संविधान में 27% ओबीसी को आरक्षण मिला है, उस आरक्षण का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो। 27% आपने आरक्षण दिया, इस पर कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जहां पर सीटें आरक्षित होनी चाहिए थी उनको क्यों छोड़ा गया, इस वजह से आज ये नोटिफिकेशन रद्द हो गया है। उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव फिलहाल स्थगित हो गए हैं, हाई कोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को खारिज कर दिया है। अब नए चुनाव के लिए सरकार से कहा है कि ट्रिपल टेस्ट का एक व्यवस्था करें ओबीसी आरक्षण की, उसके बाद तब फिर नोटिफिकेशन जारी करें। तो अब ये मान के चलिए कि जनवरी के बाद फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं और इतनी जल्दी करना आसान नहीं होगा, तो ये अप्रैल या मार्च या अप्रैल में चुनाव हो पाएगा। जी, चलिए वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो स्टेटेड वीरेन सिंह जी बता रहे थे कि फिलहाल किस तरीके से पहले व्यवस्था को ठीक करना होगा, और उसके बाद व्यवस्था ठीक होने से पहले आपको एक आयोग बनाना होगा।